हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। होप यू गाइस आर फाइन। सो गाइस, आज के संडे का फंडा वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंटरसेप्शन लॉस की। तो आप मेरे अराउंड ये बैकग्राउंड देख के तो समझ ही गए होंगे कि रेनफॉल हुई होगी, क्योंकि प्लेजेंट वेदर तो आपको दिख ही रहा है। अब हुआ क्या, रेनफॉल ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई थी बट इतना ज्यादा पानी नहीं गिरा। कंटिन्यूसली रात से गिर रहा था बट अभी मॉर्निंग में उतना नहीं गिरा। बट फिर मैं जब टेरेस में आई तो मुझे देखा कि यार यहाँ पर पानी जो है ये तो इकट्ठा हो गया, मतलब ये है इंटरसेप्शन लॉस। तो मैंने सोचा तुरंत एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि टेरेस में नीचे पूरा पानी जो है ये एक्यूमुलेटेड है, यहाँ पे पूरा पानी, ठीक है। अब ये पानी को आप इंटरसेप्शन लॉस बोलते हो। बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटरसेप्शन है, क्योंकि ये बिल्डिंग ऑब्वियसली मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, और ये जो रूफटॉप्स है बिल्डिंग्स का या जो वरांडाज है, यहाँ पे ये पानी एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है। ओवर द टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो ये ड्रेन्स है। अब ड्रेन्स के थ्रू ये पानी, जो पानी एट द टाइम ऑफ रेनफॉल जो एक्सेस पानी हुआ होगा, वो ड्रेन्स के थ्रू यहाँ से चला गया होगा। बट ये जो पानी अभी यहाँ पे इकट्ठा है, अभी जैसे कि सन तो है ही, जब इंटेंसिव हीट पड़ेगी तो इवेंचुअली ये इवेपोरेट हो जाएगा बैक टू द एटमोसफियर। तो अब बात ये आती है कि यार ये भी तो एक रोल प्ले कर रहा है। जब भी आप एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करते हो तो ये इंटरसेप्शन लॉस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैम पानी तो है, रूफ्स में इकट्ठा हो गया, वरांडा में इकट्ठा हो गया, क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया ये जो पानी रूफ्स में इकट्ठा हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा पानी है, एक्चुअली यहाँ पे एकदम ज्यादा डेप्थ नहीं है बट फिर भी कंसिडरेबल डेप्थ है। तो ये पानी अभी रूफ्स में इकट्ठा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही पानी जो है मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जैसे ही मैं ट्रीज को शेक करूंगी, पानी ट्रीज में से भी निकलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ पानी ट्रीज की लीव्स में भी इंटरसेप्ट हो गया है, और यही पानी आफ्टर दिस ये इवेपोरेट हो जाएगा बैक टू द एटमोसफियर। मतलब ये पानी रन ऑफ में, जो पानी आपको बहता हुआ दिखता है, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटरसेप्शन, जो कि आपको मिल रहा है रूफ्स में, ठीक है, आपको मिल जाएगा वरांडास वगैरह में। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद, चलिए नेचुरल इंटरसेप्शन। तो गाइज अब मैं आ चुकी हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रीज है मेरे बाजू में, और आप यहाँ पर अगर थोड़ा कैमरा को पास करें थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो कुछ पानी जो है वो लीव्स में इंटरसेप्ट हो गया रेनफॉल के टाइम। और रेनफॉल के अभी तो चलो रेनफॉल बंद होगी, बट आप देख सकते हो, तो अगर मैं इसको शेक भी करूंगी, ओह माय गॉड, तो आप देख रहे हो ये पानी निकल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो वाटर इसमें रिटेन है ओवर द टाइम ये इवेपोरेट हो जाएगा बैक टू द एटमोसफियर। अब आप बोलोगे कि ये इंटरसेप्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए इंटरसेप्शन बहुत टाइप के होते हैं। आर्टिफिशियल इंटरसेप्शन जो मैंने आपको बताया, रूफटॉप्स में जो बिल्डिंग में, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह में पानी एक्यूमुलेट हो जाता है। नेचुरल इंटरसेप्शन जो कि आप देख रहे हो कि ट्रीज वगैरह में पानी इंटरसेप्ट होता है, ओवर द टाइम ये इवेपोरेट हो जाता है बैक टू द एटमोसफियर। बट द क्वेश्चन कम्स, इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंटरसेप्शन लॉस अप्रोक्सीमेटली 15-50% तक वेरी करता है, डिपेंड कर जाता है कि लैंड कवर कितना है, वेजिटेशन कितना है, इन सब पर भी डिपेंड करता है। बट इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 15-50% इसका लॉस होता है। सो डेफिनेटली ये एक सिग्निफिकेंट चीज है। अब अगर आप मुझे बोलोगे कि इस नेचुरल इंटरसेप्शन को कैसे मेजर किया जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बैक टू द स्लाइड्स लेके जाती हूँ, जिसमें आपको मैं फॉर्मूला बताती हूँ। हाउएवर वो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, और अगर आप बात करो आर्टिफिशियल इंटरसेप्शन की, तो उसको मेजर करने के लिए कोई फॉर्मूला, कोई मेथड्स हमारे पास नहीं है। सो गाइज बैक टू द स्लाइड। सो गाइज देखा आपने, क्या हम इंटरसेप्शन लॉस मेजर कर सकते हैं? मैम नहीं कर सकते वैसे तो। चलिए अब एक तो जो मैंने आपको पहली क्लिप दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि रूफ टॉप के बिल्डिंग पर जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, बिल्डिंग्स के ऊपर जो भी आपकी छतें होती है वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। अब आप बोलोगे मैम पर वो जो हमारे पाइप है उसके थ्रू चला भी तो जाता है। बिल्कुल सही, चला जाता है, बट सब पानी, सब वाटर नहीं जा पाता है। सो अमाउंट ऑफ वाटर जो वहां पर एक्यूमुलेट होता है वो इवेपोरेट कर जाता है बैक टू द एटमोसफियर। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग विच कम्स इन टू पिक्चर इज, क्या मैं नेचुरल वेजिटेशन के कारण इंटरसेप्शन लॉस मेजर कर सकते हो? हाँ, बहुत सारे फॉर्मुलेज है, बट इफ यू से दैट यू मेजर इट विथ 100% एक्यूरेसी, ये बात थोड़ी गलत हो जाती है। चलिए अब इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग आपको थ्योरेटिकल चीजें बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप मेरे बारे में नहीं जान सकते हैं या नहीं जानते हैं, तो
आप मेरे प्रोफाइल पे जा सकते हैं और इस संडे का फंडा जो कि हर संडे आता है अभी तक अगर आप नहीं देखे हो तो जाके बैक में जितने भी हमारे सेशन से प्लेलिस्ट उसमें संडे का फंडा वीडियोस है आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था इंटरसेप्शन लॉस। अब बात ये निकल के आती है कि जैसे हम बात करते हैं इंटरसेप्शन लॉस की तो दो तरीके का है, एक तो वो वेजिटेशनल कवर वाला है। अब ये वेजिटेशन ग्राउंड्स में होते हैं, बहुत सारी जगह होते हैं, तो अब क्या होता है पानी इसमें थोड़े समय के लिए स्टोर होता है। अब आपने नोटिस किया होगा जैसे आप जब अपने बारिश बंद हो जाती है और उसके बाद जब आप जाते हो और आसपास रोड्स के दोनों साइड पेड़ होते हैं तो आपके ऊपर भी पानी के छींटे पड़ते हैं। तो बोलोगे मैम ये तो इवेपोरेट नहीं हुआ, ये तो मेरे ऊपर आ गया। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि जितना पानी आपके ट्रीज में वो सबका सब पानी जो है वो इवेपोरेट बैक कर जाएगा, बिल्कुल नहीं। कुछ पानी है जो कि होता है इंटरसेप्शन लॉस जो कि रिटेन्ड होता है और वापस इवेपोरेट बैक हो जाएगा। उसके अलावा कुछ पानी जैसे कि हम आप बात करो थ्रू फॉल की, यहाँ पे मैंने आप थ्रू फॉल है तो थ्रू फॉल की बात करूं तो इसमें क्या होता है पानी ड्रिप करता है, लीव से ड्रिप करते हुए आता है और ग्राउंड के सर्फेस में फॉल कर जाता है, ठीक है। तो ये वो पानी नहीं है जो इवेपोरेट किया, जो इवेपोरेट किया पानी वो सिर्फ इंटरसेप्शन लॉस है। अब ये वाला भी पानी था लीव्स में बट ये कम डाउन कर गया नेचुरली टू द ग्राउंड सर्फेस जिसको आपने बोला थ्रू फॉल। फिर हमारे पास स्टेम फॉल था, ये जो ब्रांचेस वगैरह है वहां से ट्विक करता, मेन ट्रंक्स जो थे आपने पता ना ये ट्रीज के ब्रांचेस वगैरह, ये ट्रीज ब्रांचेस वगैरह से ट्विक करते हुए फिर ये ग्राउंड के सर्फेस में आएगा। तो लीव से होते हुए आएगा, ब्रांचेस से होते हुए आएगा, तो ये आपका इंटरसेप्शन लॉस नहीं है। तो ये मत सोचिए कि जितना पानी बारिश के बाद लीव वगैरह में पूरे ट्री में आया वो सब इंटरसेप्शन लॉस है। वो पानी जो आया ग्राउंड के सरफेस पे नहीं पहुंचा, ट्रीज पर है और इवेपोरेट कर जाए बैक टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज इंटरसेप्शन लॉस, टू बी प्रिसाइज नेचुरल इंटरसेप्शन लॉस, ओके। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो पूरी चीजें थ्योरेटिकल भी लिख दी गई है कि बेसिकली जो आप बात करते हो वेजिटेशन वगैरह में इंटरसेप्शन वगैरह होता है और जो बिल्डिंग्स में होता है तो हम उसी इंटरसेप्शन की बात करते हैं जो इवेपोरेट कर जाता है बैक टू द एटमॉस्फेयर, ओके। नाउ नाउ नेक्स्ट कमिंग फर्दर, इसको एस्टिमेट कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटरसेप्शन लॉस को मेजर करने का, ठीक है, स्टॉर्म इंटरसेप्शन को मेजर करने का। बेसिकली आई जो है वो आपका इंटरसेप्शन है जो आपको निकाला कैनोपी एरिया में, वेजिटेशन एरिया में उसको, और SVS स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी बोल रखा है ये एकदम एग्जैक्ट आपको वैल्यूज नहीं देगा, पहले ही बता दिया, बट एक तरीका है, हालांकि इतना प्रोमिनेंट नहीं है बट फाइन वी यूज इट। तो SV आपका स्टोरेज कैपेसिटी हो रहा है जितने प्रोजेक्टेड एरिया में इंटरसेप्शन हो रहा है उसके लिए, R रेशियो है कि कितना वेजिटेशनल सरफेस है डिवाइडेड बाय कितना पूरा प्रोजेक्टेड एरिया है, E है कि कितने रेट से इवेपोरेशन हो रहा है प्लांट के सरफेस से, और TR वो पूरा ड्यूरेशन है जब बारिश हुई, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। ये एक तरीका है निकालने का। दूसरा तरीका निकालने का जो आपका इंटरसेप्शन है वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें R आपको पता है, कुछ चीजें जो नहीं पता वो है K क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ओके राइट, ओके। तो यहाँ पर दो चीजें, पहले P तो आपको पता है टोटल प्रेसिपिटेशन होता है, K की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 1 अपॉन SR प्लस R E TR, E इवेपोरेशन होता है, TR टोटल ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल होता है, सब चीजें आपको पता है, ठीक है, सब चीजें आपको पता है। तो आप K निकाल लोगे क्योंकि अल्टीमेटली आपको I निकालना है और I निकालने के लिए आपको K पता होना चाहिए, P तो टोटल प्रेसिपिटेशन होता है, R आपको पता है कितना वेजिटेशनल सर्फेस और कितना प्रोजेक्टेड एरिया, अगर आपको ये सब चीजें पता है तो फिर आप इंटरसेप्शन निकाल सकते हो। इंटरसेप्शन मैंने आपको दो तरीके से बताया, तीसरा तरीका होता है ये, ठीक है। तो यहां पर ए बी आपके कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में है, वेरिएबल्स आपको दे दिए जाएंगे जिससे आप निकाल सकते हो। तो यहां पर बेसिकली ए बी एन की जो है ना डिफरेंट वैल्यूज होती है, क्योंकि आपको लगे मैम यहाँ तो अलग वेजिटेशनल कवर है, यहाँ पर अलग वेजिटेशनल कवर है, तो क्या सब जगह आई की वैल्यू सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ए और बी कॉन्स्टेंट है, वो डिपेंड कर जाएंगे कैसा वेजिटेशनल सरफेस है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड कर जाएंगे। गॉट इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो मुझे लगा अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए संडे के फंडा के वीडियो के बारे में कि इंटरसेप्शन लॉस को हम पार्टली मेजर कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है आपके घरों के रूफ्स में कितना पानी इकट्ठा हुआ, और आपका तो एक घर ऐसे तो कितने घर है, तो क्या आप मेजर कर पाओगे?
नॉट पॉसिबल. बट नेचुरल वेजिटेशन हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स लिए हैं, सॉइल के बारे में पढ़ा है और इवेपोरेटेड स्टोरेज सब चीजों के बारे में हमारे पास अच्छा खासा डेटा होता है, तो हम उसका इंटरसेप्शन निकाल सकते हैं. नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेटली, बट वी कैन नो हाउ मच इंटरसेप्शन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड समवेयर नियर अबाउट वैल्यूज. इसी तरह और वीडियोज को देखने के लिए गाइज सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब. सब्सक्राइब क्या, सब्सक्राइब करना ही है ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंसेप्चुअल वीडियोज आप तक पहुंच पाए. Thank you, everybody.